बिहार के सरकारी शिक्षण संस्थानों को सुधारने में लगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षकों के बाद अब छात्रों पर एक्शन लिया है। बिहार के सरकारी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में बगैर क्लास की परीक्षा देकर डिग्री लेने वाले छात्रों के इरादे पर के पाठक की चाबुक चली है और शिक्षा विभाग ने फरमान जारी कर दिया कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी की क्लास से गायब रहे तो एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक बिहार के सारे स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं की 75% उपस्थिति को अनिवार्य कर देने का आदेश दिया है। पाठक के आदेश के बाद बिहार के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सूबे के कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी से गायब रहने वाले छात्र छात्राओं का एडमिशन रद्द करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश पर कार्रवाई की शुरुआत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में हुई है। दरभंगा के सीएम साइंस कॉलेज में ऐसे 3 दर्जन छात्र छात्राओं के नामांकन रद्द किए जा चुके हैं जो लंबे समय से क्लास से गायब थे। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक जिनका नामांकन रद्द किया गया है उनमें कई ऐसे छात्र शामिल हैं जिन्होंने कॉलेज में नामांकन लेने के बाद कभी क्लास ही नहीं की। इनकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजी गई थी और इसके बाद कार्रवाई की गई। क्लास से गायब रहने वाले छात्र छात्राओं पर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, बीएन मंडल विश्वविद्यालय, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय और मुंगेर विश्वविद्यालय में भी कार्रवाई शुरू है। दरअसल शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि किसी सूरत में छात्र छात्राओं की 75% से कम उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया है जो छात्र छात्राएं कॉलेज में क्लास कर नहीं आ रहे और लगातार गैर हाजिर हो रहे उनके अभिभावक को नोटिस दिया जाए। पहले उनसे यह कहा जाए कि वो अपने बच्चे को कॉलेज भेजें। अगर इसके बाद भी छात्र छात्राएं कॉलेज में क्लास करने नहीं पहुंचते हैं तो उनका नामांकन रद्द करने का निर्देश दिया गया है। दरभंगा के सीएम साइंस कॉलेज के जिन छात्रों का नामांकन रद्द किया गया उनके अभिभावकों को कॉलेज प्रशासन ने 1 सप्ताह पहले नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद जो छात्र क्लास नहीं पहुंचे उनका नामांकन रद्द कर दिया गया था। वैसे कॉलेज प्रशासन ने जब से नोटिस भेजना शुरू किया है तब से बड़ी संख्या में छात्र छात्रा क्लास करने पहुंच गए। शिक्षा विभाग ने हर हफ्ते सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कहा है कि वो हर हफ्ते छात्र छात्राओं की उपस्थिति का मूल्यांकन करें। इसके आधार पर लगातार अनुपस्थित पाए जाने वाले छात्र छात्राओं के नामांकन रद्द किए जाएंगे। के पाठक के निर्देश के बाद दरभंगा के सीएम साइंस कॉलेज समेत कई दूसरे कॉलेज ने तय किया है कि अगर कोई छात्र या छात्रा लगातार 10 दिनों तक क्लास से गायब रहता है तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी ताजा तरीन अपडेट लगातार मिलती रहे।